इंदौर सरकारी दुग्ध संघ द्वारा देपालपुर में आयोजित बैठक में दुग्ध संघ प्रतिनिधि, प्रगतिशील दूध उत्पादक तथा संस्था के सचिव, समिति सेवक और किसान इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। जहां दूध उत्पादकों ने अपने सुझाव भी दिए, वहीं दुग्ध संघ के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने कहा कि इंदौर दुग्ध संघ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादक किसानों को न्यूनतम रेट पर पशु आहार, पशु लोन तथा बीमार होने पर आर्थिक सहायता भी देता है। दुग्ध संघ की प्रगति में सर्वाधिक योगदान देपालपुर क्षेत्र का है। वहीं वर्तमान में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में इंदौर दुग्ध संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है। देपालपुर क्षेत्र में 160 दुग्ध समितियां हैं, जिसमें 6000 दुग्ध प्रदायकों द्वारा लगभग 45,000 लीटर दूध प्रतिदिन डेयरी में पहुंचता है। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा प्रति माह 650 मैट्रिक टन पशु आहार, 7000 किलोग्राम घी तथा इंदौर दुग्ध संघ द्वारा निर्मित सांची उत्पाद मावा, चक्का, पनीर, कुकीज, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, छाछ, दही, रबड़ी, श्रीखंड भी लगातार बिक्री किए जा रहे हैं। वहीं डेयरी को केन मुक्त कर जगह जगह BMC मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। देपालपुर इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जो अध्यक्ष महोदय ने हमको बुलाया, हमको इस काबिल समझा कि हर किसान को मतलब बुलाया यहाँ पर, वो सम्मान किया, वो बहुत अच्छा था। हमारा दूध संघ जो है बराबर हमके पैसा टेम पे दे और ज़्यादा भाव ले, और उसका बाद में जो भी हम सामान मंगावा वो सामान दे, और उसका बाद में एक हमारा एक इनकी योजना है, बहुत बहुत अच्छी योजना है कि अगर कोई दूध उत्पादन किसान की घरवाली या वो बीमार अगर हुई हो तो एक बीमा योजना इनकी है, वो 50 से 60 हज़ार रुपया की बीमारी के भी दे, और अगर कोई गाय भी मरी गई, अगर कोई ये दूध को भी कम हो तो उका में भी ये हमारे में जो है आर्थिक सहायता दूध संघ दे, और अगर दूध संघ नहीं हो तो आज ये जो किसान जो है ये इतना अभी जानता, और किसान सबसे हमारा व्यवसाय एक खेती को है। हम ये देपालपुर बहुल्य खेती, हम खेती का साथे साथे ये भी दूध उत्पादन करा, अगर सही अगर दूध को भाव नहीं मिले तो हमारे मेहनत नहीं जाए, तो दूध संघ जो है सही भाव दे, उचित भाव दे और सही समय पर भाव दे और समय पर सब सामान। इंदौर दुग्ध संघ की साधारण सभा से पूर्व इंदौर दुग्ध संघ की ये परंपरा है कि हम हमारे समितियों के अध्यक्ष, संघ प्रतिनिधि, सचिव, साथियों और दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों के साथ एक बैठक करते हैं, और इसके पीछे हमारा मकसद होता है कि वहाँ की कोई तत्काल जो कोई समस्या हो उस समस्याओं को हल करना, उनके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो, विचार हो, उसको अमल करना। इसी कड़ी में आज देपालपुर क्षेत्र की दुग्ध समितियों की बैठक हमने आयोजित की, और मैं आपके माध्यम से हमारे समस्त आज जो इस बैठक में शामिल हुए किसान भाइयों को, अध्यक्ष जी को, संघ प्रतिनिधि को, सबको हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे मालवा क्षेत्र में दूध प्रदान या आदान प्रदान करने का या क्रय करने का जो समय होता है रक्षाबंधन के आसपास होता है, जो दूध हमारे प्राइवेट व्यापारी को किसान भाई दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट व्यापारी आपको सिर्फ दूध ले लेगा और दूध का भाव दे देगा, इंदौर दुग्ध संघ से आप जुड़ेंगे तो आपको दूध का भाव मिलेगा, दुग्ध संघ की तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा, और एक एक आपका परिवार है, इस परिवार में अगर लाभ हुआ तो रिटर्न में आपको मिलेगा। मैं आपके माध्यम से समस्त किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।